भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, देश के हर नागरिक को न्याय मिल सके और जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब हिंदी सहित देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग भारी संख्या में सड़क पर उतरे हैं। इजरायल में न्यायिक प्रणाली में बदलाव की सरकार की नीतियों के खिलाफ लाखों की भीड़ यह विरोध प्रदर्शन कर रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने दक्षिण पंथी विद्रोह के बाद सेना प्रमुख जनरल जूलियो सीजर डी अरुडा को बर्खास्त कर दिया। कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख ने सेना मुख्यालय के बाहर एक छावनी में शरण लेने वाले संदिग्ध दंगाइयों को हिरासत में लेने वाली पुलिस को रोक दिया था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली समेत 6 राज्यों में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 24 और 25 जनवरी को भारी बारिश का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में भी 24 जनवरी को बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है। होली पर दिल्ली, पंजाब, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और सिकंदराबाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आने वाले हजारों प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 1 से 6 मार्च तक सभी ट्रेनें फुल हो गई हैं। 120 दिन पहले टिकटों की बुकिंग शुरू होने के कुछ मिनटों में भी ट्रेनों के सभी कंफर्म टिकट बुक हो गए हैं। अब स्पेशल ट्रेनों का ही सहारा बचा है। चीन में कोरोना महामारी का प्रकोप चरम पर होने के बाद भी लगातार चीन मौत के आंकड़े छिपाता रहा है, लेकिन अब WHO के दबाव में चीन कोरोना के मरीजों और मौतों के आंकड़े दे रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के हफ्ते में 13,000 मरीजों ने दम तोड़ा है। अमेरिका में आर्थिक मंदी के दौर में टेक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों की छंटनी के बाद अब अमेरिका की मीडिया पर भी मंदी की मार शुरू होकर छंटनी का दौर शुरू हो गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी पार्क में सामूहिक गोलीबारी की घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 16 लोग घायल भी हुए हैं। घटना के समय लोग चीनी लूनर न्यू ईयर समारोह मना रहे थे। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद थे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। इसके बाद 5 फरवरी को जिला कार्य समिति की और 12 फरवरी को सभी प्रखंड में कार्य समिति की बैठकें होंगी। आज की बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और 700 के करीब आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।